हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की वीडियो होने वाली है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पर। और जैसा कि आप जानते हो कि हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की वीडियोस अपलोड कर ही रहे हैं अपने चैनल पर, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करके आज क्लास 7 पर हम पहुँच चुके हैं, जो कि है स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, वो प्लेलिस्ट का लिंक है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की। आप उस लिंक पर क्लिक करके इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की बाकी जो मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं वो वॉच कर सकते हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर चेक करें चैनल का, वहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वीडियोज़ मिल जाएंगी। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपके लिए ही हम वीडियो बनाते हैं जो आपके लिए ही काम आती हैं, स्पेशली इन एग्जाम्स टाइम, राइट। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का क्या स्कोप है। तो मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्टडी ऑफ मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स। तो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, इसकी हम कॉम्प्लेक्स स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना है, इसलिए हम इसकी स्टडी करते हैं। और इसके स्कोप में क्या क्या इंक्लूड होता है, इट्स स्कोप, इसका जो स्कोप है वो क्या है, सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, सिक्योरिटीज़ मार्केट और सिक्योरिटीज़। तो सबसे पहले बात करेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस की, ये क्या है। ट्रेडिशनली सिक्योरिटी एनालिसिस एम्फसाइजेस द प्रोजेक्शन ऑफ प्राइजेस एंड डिविडेंड्स। कि पहले क्या होता था, जो सिक्योरिटी एनालिसिस है एम्फसाइज किस चीज़ पर करता था, किस चीज़ पर ज़्यादा जोर डाला जाता था, प्राइस के और डिविडेंड के प्रोजेक्शन पर। अकॉर्डिंगली द पोटेंशियल प्राइस ऑफ ए फर्म्स कॉमन स्टॉक एंड द फ्यूचर डिविडेंड स्ट्रीम वर टू बी फोरकास्ट। और फिर इसी के अनुसार जो फर्म का कॉमन स्टॉक है, किसी भी फर्म्स की जो भी कॉमन स्टॉक्स हैं, जो भी ऐसी फर्म्स हैं जिनके स्टॉक कॉमन है, उनका जो भी पोटेंशियल प्राइस है या फिर जो भी और हमारा फ्यूचर डिविडेंड है, उनको क्या किया जाता था, फोरकास्ट किया जाता था एंड देन डिस्काउंटेड बैक टू दी प्रेजेंट। और फिर जो है प्रेजेंट में इसको बैक डिस्काउंटेड बैक किया जाता था। लेकिन जो इंट्रिंसिक वैल्यू है स्टॉक की, इंट्रिंसिक वैल्यू जो स्टॉक की है वो देन टू बी कंपेयर्ड विद दी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज करंट मार्केट प्राइस। तो उस टाइम पे क्या होता था, इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी हमारे स्टॉक की होती थी उसको कंपेयर किया जाता था किसके साथ, एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी के करंट मार्केट प्राइस के साथ, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर कमीशन, टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस। तो इन तीनों, ये जो जितने भी कमीशंस, टैक्सेस और अदर एक्सपेंसेस हैं, इनकी एडजस्टमेंट कर लेने के बाद इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक को कंपेयर किया जाता था करंट मार्केट प्राइस के साथ। और इफ़ दी करंट मार्केट प्राइस ऑफ दी सिक्योरिटी वॉज अबव द इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर करंट मार्केट प्राइस सिक्योरिटी का ज़्यादा होता था इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो जो एनालिस्ट होते थे वो क्या कहते थे, वो रेकमेंड करते थे कि बेच दो, सेल कर दो, क्योंकि करंट मार्केट इस प्राइस जो है इस टाइम ज़्यादा है, इसलिए तुम अपनी स्टॉक को बेच दो। और कन्वर्सली इफ़ करंट मार्केट शो प्राइस शोड एट बिलो द इंट्रिंसिक वैल्यू, और फिर जब इंट्रिंसिक वैल्यू से करंट मार्केट प्राइस कम होता था, तो द कस्टमर वुड बी रिकमेंड टू परचेज अ सिक्योरिटी। तो कस्टमर को क्या रिकमेंड किया जाता था, कि आप सिक्योरिटीज़ परचेज कर लो। ये था हमारा ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा था। लेकिन अब मॉडर्न की बात भी करेंगे हम, तो दीज ट्रेडिशनल व्यूज हैव शिफ्टेड देयर एम्फसाइजेस टू अ मोर मॉडर्न अप्रोच। अब ये जो ट्रेडिशनल व्यूज थे, अब इन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली, जिसमें ये रिस्क का भी एनालाइज करते हैं और रिटर्न ऑफ कॉमन स्टॉक को भी एनालाइज करते हैं, रैदर देन रिलाई ऑन प्राइज एंड डिविडेंड एस्टिमेट। यानी कि ये अब पहले की तरह प्राइज और डिविडेंड एस्टिमेट के भरोसे नहीं रहते, ये रिस्क और रिटर्न दोनों को ही एनालाइज करते हैं, मॉडर्न अप्रोच हमसे ये बोलता है।
अब सिक्योरिटीज टू बी बोट आर स्क्रूटिनाइज्ड थ्रू मार्केट इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस। अब जो भी सिक्योरिटीज आप खरीदते हो वो मार्केट के थ्रू खरीदते हो, इंडस्ट्री और कंपनी एनालिसिस के थ्रू खरीदते हो, मतलब आप एनालाइज करते हो हर चीज़ का, मार्केट का भी, इंडस्ट्री का भी और कंपनी का भी, फिर आप सिक्योरिटी बाय करते हो। नंबर वन बात करेंगे मार्केट एनालिसिस की, कि मार्केट एनालिसिस के बारे में क्या बोला गया है। स्टॉक मार्केट इज अ मिरर ऑफ जनरल इकोनॉमिक कंडीशन। किसी भी कंट्री का स्टॉक मार्केट जो भी होता है वो एक आईने की तरह होता है कि इस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है इस टाइम। तो स्टॉक मार्केट एक आईने की तरह दिखता है सबको। द ग्रोथ इन जीडीपी एंड इन्फ्लेशन इज रिफ्लेक्टेड इन स्टॉक प्राइजेस। जीडीपी की जो ग्रोथ है ना और जो इन्फ्लेशन है वो हमारे स्टॉक प्राइस पर काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टेड होती है, प्रभाव डालती है, ठीक है। तो रिसेशन इन द इकोनॉमी रिजल्ट इन अ बियर मार्केट। अगर मंदी होगी तो मार्केट भी मंदा होगा। स्टॉक प्राइजेज में फ्लक्चुएट इन द शॉर्ट रन। स्टॉक प्राइजेज यू नो फ्लक्चुएशन शॉर्ट रन में हो सकती है ना। फ्लक्चुएशन मतलब ऊपर नीचे जा रहा है स्टॉक प्राइस, तो शॉर्ट रन में होती है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म लॉन्ग रन दे मूव इन ट्रेंड्स। लेकिन लॉन्ग रन में जो स्टॉक होती है ना वो ट्रेंड्स में मूव करती है, इधर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, या तो वो अपवर्ड ही जाएगी या तो वो डाउनवर्ड्स ही जाएगी लॉन्ग रन में। बात कर लेते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस की। तो इंडस्ट्रीज दैट कंट्रीब्यूटेड टू द एनालिसिस इज ऑफ मेजर सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी वेरी इन देयर ग्रोथ रेट्स। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं एनालिसिस में, जो भी हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ रेट के सेगमेंट्स हैं उनमें कंट्रीब्यूट करती है। यहाँ पे हमसे बोला गया कि कुछ इंडस्ट्रीज ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाती है देन जीडीपी से, एंड दी एक्सपेक्टेड टू कॉन्टिन्यू इन देयर ग्रेथ। और ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ ही करेगी। यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, आपको पता है ना इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री हाँ क्लियर होना चाहिए, इंडस्ट्री मतलब एक होती है फर्म, वो एक फर्म होती है पर्टिकुलरली, चाहे वो स्टील की हो, है ना। तो सारी जितनी भी स्टील की फर्म्स होगी तो उनका एग्रीगेट जो होगा ना वो स्टील इंडस्ट्री कहलाएगा। ये एक एग्जाम्पल है इंडस्ट्री का, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, अब आईटी इंडस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पर, आईटी इंडस्ट्री की बात बोली गई है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि आईटी इंडस्ट्री हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ हायर ग्रोथ रेट दैन जीडीपी इन 1998, कि आईटी इंडस्ट्री ने ज़्यादा हायर ग्रोथ रेट जो है एक्सपीरियंस किया किसके साथ, जीडीपी इन जो भी हमारा 1998 में जीडीपी था उससे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री ने हायर ग्रोथ रेट रिटर्न रेट जो है वो एक्सपीरियंस किया। तो द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एंड ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री हैव टू बी एनालाइज्ड। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया जो भी हमारी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, जो भी ग्रोथ पोटेंशियल है इंडस्ट्री का, उसको हमें एनालाइज करना ही चाहिए। बात कर लेते हैं कंपनी एनालिसिस की। तो द पर्पज़ ऑफ कंपनी एनालिसिस इज़ टू हेल्प द इन्वेस्टर मेक बेटर डिसीजन। तो कंपनी एनालिसिस का पर्पज़ यही होता है कि हमें इन्वेस्टर्स की हेल्प करनी है ताकि वो बेहतर तरीके से निर्णय ले सकें, डिसीजन ले सकें। द कंपनीज अर्निंग्स, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट हैव टू बी स्क्रीन। यहाँ पे बोला गया है कि कंपनी की जो भी अर्निंग्स होती हैं, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होती है, या जो भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है और जो मैनेजमेंट है उसको इसमें स्क्रीन किया जाता है, यानी कि इन चीज़ों का विश्लेषण यहाँ पे किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं कंपनी एनालिसिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अभी हमने क्या पढ़ा, सिक्योरिटी एनालिसिस हमने पूरा पढ़ लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले पोर्टफोलियो क्या होता है ये पता होना चाहिए ना। व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक, बॉन्ड्स। तो आप मान लो आप एक इन्वेस्टर हो तो आप स्टॉक्स में भी परचेज करोगे, इन्वेस्ट करोगे, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करोगे,
तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक तरीके का पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो पोर्टफोलियो क्या है, एक तरीके का कॉम्बिनेशन है सिक्योरिटीज़ का, जैसे कि आपकी स्टॉक्स हो गई, आपकी बॉन्ड्स हो गई, आपकी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, है ना। ये सारे जितना भी अगर आप कॉम्बिनेशन बना के चलते हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, तो वो आपका पोर्टफोलियो कहलाएगा। ये तो है नहीं कि आप एक ही जगह इन्वेस्ट कर दोगे ना सारा कुछ, ऐसा तो नहीं होगा। आप अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आप रिस्क को एनालाइज करके चलते हो, आपको रिस्क भी डाइवर्सिफाई करना है अपना, है ना। तो इसलिए पोर्टफोलियो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़, जैसे कि स्टॉक्स हो गई, बॉन्ड्स हो गई और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गए। अब आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करोगे, कैसे उसका मैनेजमेंट करोगे, तो कंस्ट्रक्टिंग एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इन्वेस्टर, कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना किस पर डिपेंड करता है, इन्वेस्टर के नेचर पर, कि इन्वेस्टर कैसा है, इन्वेस्टर क्या चाहता है, उसका नेचर कैसा है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड मार्केट मूवमेंट्स कैन हेल्प वन अंडरस्टैंड द मार्केट, कि मार्केट इंस्ट्रूमेंट और मार्केट मूवमेंट्स को समझना हेल्प कर सकता है एक इन्वेस्टर की मार्केट को समझने में। पोर्टफोलियो इज कंस्ट्रक्टेड इन अ मैनर सो एज टू मीट द इन्वेस्टर्स ऑब्जेक्टिव, पोर्टफोलियो को इस तरीके से बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है इस मैनर में, ताकि इन्वेस्टर के खुद के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके, जो वो चाहता है वो पूरे हो सके। तो द इन्वेस्टर शुड डिसाइड हाउ बेस्ट टू रीच द गोल्स, तो इन्वेस्टर को ये डिसाइड करना चाहिए कि कैसे वो अपने गोल्स तक पहुँच सकता है, जितनी भी सिक्योरिटीज अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग। तो द इन्वेस्टर ट्राई टू अटेन मैक्सिमम रिटर्न, इन्वेस्टर तो यही चाहेगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न वो अटेन करे विद मिनिमम रिस्क, है ना। हर इन्वेस्टर यही चाहता है रिस्क कम हो, रिटर्न ज़्यादा हो। तो टूवर्ड्स दिस एंड ही डाइवर्सिफाई हिज पोर्टफोलियो एंड एलोकेट फंड्स अमंग द सिक्योरिटीज, तो एंड टूवर्ड्स द एंड में वो क्या करेगा, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेगा और फंड्स जो भी है वो एलोकेट करेगा अलग अलग डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में जो भी उसके पास अवेलेबल हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट diversification. Diversification का मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिस्क को रिड्यूस करना, रिस्क को कम करना। Diversifying one's investment helps to spread the risk over many assets. कि एक इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना हेल्प कर सकता है, उसके जो भी जितने भी उसने असेट्स में इन्वेस्ट करा है उसके रिस्क को रिड्यूस करने में। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन अ पोर्टफोलियो एश्योर्स द एंटिसिपेटेड रिटर्न, कि जब हम सिक्योरिटीज का डाइवर्सिफिकेशन करते हैं एक पोर्टफोलियो में, तो ये फ्यू जो भी आपने रिटर्न एंटिसिपेट किया था, जो भी आपने रिटर्न फोरकास्ट किया था, उसको एश्योर करता है कौन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज। आप क्या करते हो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में, सम सिक्योरिटीज़ में नॉट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड वाइल अदर्स में एक्सीड एक्सपेक्टेशन। अब डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कुछ सिक्योरिटीज़ में नॉट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड, कुछ सिक्योरिटीज़ आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर सकती, और कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। तो इस प्रकार ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो रीजनेबली क्लोज टू द एंटिसिपेटेड वन, तो इस प्रकार आप अपने जो भी आपने रिटर्न एंटिसिपेट किया था, जो भी आपने रिटर्न फोरकास्ट किया था, वो आप पा सकते हो रिस्क को डाइवर्सिफाई करके, मतलब सिक्योरिटीज़ को डाइवर्सिफाई करके। तो सेवरल मोड्स आर अवेलेबल टू डाइवर्सिफाई अ पोर्टफोलियो, आप किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करोगे, किस तरीके से अपने रिस्क को कम करोगे, वो हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है डेट एंड इक्विटी डाइवर्सिफिकेशन, सबसे पहले आप डेट और इक्विटी का डाइवर्सिफिकेशन करोगे। कैसे, डेट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड एश्योर्ड रिटर्न्स विद लिमिटेड कैपिटल एप्रिसिएशन, जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आपको एक एश्योर्ड, जैसे आपके डिबेंचर हो गए, है ना, डिबेंचर हो गया आपका, तो ये आपको क्या करते हैं, एश्योर्ड रिटर्न प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन आपकी आपको पता है कि यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल एप्रिसिएशन ही होगा, क्योंकि आपका जो बेसिकली डिबेंचर में फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, तो इसीलिए आपको पता है कि आपकी इतनी ही कैपिटल एप्रिशिएट होगी डेट में। लेकिन जो स्टॉक्स हैं वो आपकी इनकम भी
स्टॉक्स आपको इनकम भी प्रोवाइड करता है और आपकी कैपिटल भी अप्रिशिएट करता है। तो इसलिए डेट एंड इक्विटी को आप कंबाइन करके अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हो। डाइवर्सिफाई का बेसिकली यही मीनिंग है कि अपने रिस्क को रिड्यूस करना, कैसे, अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके। मतलब आप डिबेंचर में भी करो, डेट में भी करो और इक्विटी में भी करो, ताकि आप अपने रिस्क को बैलेंस कर सको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन। तो इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन क्या बोल रहा है? इंडस्ट्रीज ग्रोथ एंड देयर रिएक्शन टू गवर्नमेंट पॉलिसी डिफर फ्रॉम ईच अदर। कि इंडस्ट्री की ग्रोथ और गवर्नमेंट पॉलिसीज का रिएक्शन एक दूसरे से अलग हो सकता है। देयरफॉर इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन इज नीडेड। इसलिए इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है और रिस्क को रिड्यूस करने की भी जरूरत है। कंपनी डाइवर्सिफिकेशन क्या बोला गया है? सिक्योरिटीज फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज आर परचेज्ड। जब आप अलग अलग कंपनीज की सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हो तो आपका रिस्क कम होता है, क्योंकि आपने सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करा, आपने अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करा और अपने रिस्क को कम किया, अपने पोर्टफोलियो को आपने डाइवर्सिफाई किया। टेक्निकल एनालिसिस क्या सजेस्ट करते हैं? दैट इन्वेस्टर बाय सिक्योरिटी बेस्ड ऑन प्राइस मूवमेंट। कि जो इन्वेस्टर हैं वो प्राइस मूवमेंट के बेस पर सिक्योरिटी को बाय करते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो क्या सजेस्ट करते हैं? कि सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियली साउंड एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी। कि उन्हीं सिक्योरिटीज़ का सिलेक्शन करो जो कंपनीज फाइनेंशियली अच्छी हैं और इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है? कि प्राइस मूवमेंट के बेस पर सिक्योरिटीज़ को बाय करो। लेकिन जो फंडामेंटल एनालिसिस बोलता है कि कंपनीज इन्वेस्टर फ्रेंडली होनी चाहिए और फाइनेंशियली साउंड होनी चाहिए, इस बेस पर आप सिक्योरिटीज सिलेक्ट करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सिलेक्शन। सिक्योरिटीज हैव टू बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सिक्योरिटीज कैसे सिलेक्ट करते हो? डाइवर्सिफिकेशन के लेवल के बेस पर, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस के बेस पर। और फंड्स आर एलोकेटेड फॉर सिलेक्टेड। जो भी आपने सिक्योरिटी सिलेक्ट करी उसके लिए आप फिर फंड एलोकेट करते हो। सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स इन द पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो जाता है जब आप अपने सिक्योरिटीज़ को भी सिलेक्ट कर देते हो और आप फंड एलोकेट कर देते हो, यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इज एसेंशियल टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द इन्वेस्टर। कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बेनिफिट्स को ज़्यादा करने के लिए, बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, विद द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द इन्वेस्टर। क्योंकि इन्वेस्टर के सोर्सेज काफ़ी लिमिटेड होते हैं, तो आपको इसमें कैसे बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ अ कमिटमेंट ऑफ फंड्स। ये क्या है? फंड्स की कमिटमेंट है ऑन वन और मोर असेट्स ओवर अ पीरियड। आप एक या एक से ज़्यादा असेट्स पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो एक तरीके से आप अपने फंड्स की कमिटमेंट कर रहे हो। इट रेफर्स टू अ कोर्स ऑफ एक्शन। ये क्या है? एक तरीके का कोर्स ऑफ एक्शन है जो आप ले रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। अब कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको अपना इन्वेस्टमेंट गोल सेटअप करना होगा कि आपके गोल्स क्या हैं, क्यों आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। उसके बाद आप रिस्क को अंडरस्टैंड करोगे जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व है। थर्ड, आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करोगे कि आपने अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट, इवेल्यूएटिंग द मार्केट। फिर आप मार्केट का विश्लेषण करोगे और इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स का। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपकी किस चीज़ में हेल्प करेगी? फाइनेंशियल गोल्स ऑफ इन्वेस्टर को आइडेंटिफाई करने। मतलब आप अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके फाइनेंशियल गोल्स को पहचानने में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपकी हेल्प करेगा। अटेन द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये हेल्प करेगा ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा लाभ कमा सकें। सिलेक्ट द राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न्स। तो इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपकी हेल्प करेगा। नाउ हमारा आता है सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट को कैटेगराइज किया गया है मनी और कैपिटल मार्केट में।
यानी कि इसको बांटा गया है मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में। तो मनी मार्केट में क्या होता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज ऑफ लेस देन वन ईयर मैच्योरिटीज आर ट्रेडेड, कि ऐसी सिक्योरिटीज जो काफ़ी शॉर्ट टर्म होती हैं, एक साल से कम होती हैं, इनका ट्रेड होता है मनी मार्केट में। और इट इज़ मार्केट फॉर कॉल मनी, रेपो, ट्रेजरी बिल, ये सब आ जाता है आपका कमर्शियल पेपर। लेकिन जो कैपिटल मार्केट होता है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होता है, जैसे कि आपके इक्विटी शेयर हो गए, बॉन्ड हो गए, डिबेंचर हो गए, इन सब का ट्रेड होता है यहाँ पे। तो कैपिटल मार्केट को ना फर्दर डिवाइड किया गया है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी, देखो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जल्दी से सुन लो, बहुत ईजी सा मीनिंग है इसका। प्राइमरी मार्केट मतलब जहाँ पे फर्स्ट टाइम कोई शेयर इशू हुआ है, लाइक अभी रिसेंटली जोमैटो ने इशू करे हैं अपने शेयर, आईपीओ निकाला था, को आपने सुनी होगी न्यूज़। तो वो क्या है, बेसिकली प्राइमरी मार्केट का एग्जांपल है। लेकिन वही शेयर जब दोबारा से सेल परचेज होंगे तो वो सेकेंडरी मार्केट में होंगे। तो वो सेकेंडरी मार्केट होता है जब आप, मतलब सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ जो होगी एक तरीके से, मतलब जिन सिक्योरिटीज़ को काफ़ी बार मल्टीपल टाइम बाय एंड सेलिंग हो चुकी है, वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। लेकिन जो प्राइमरी मार्केट होता है वो फर्स्ट टाइम इशू होता है जहाँ पर शेयर, वो प्राइमरी मार्केट होता है। आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।